आइए बात करते हैं आगरा की, फतेहपुर सिकरी की फाइट माहौल टाइड। मेरा नाम है राम, नाम राम के नाम को भी बदना नहीं होने दूंगा, पारा करके जा रहा हूँ, और इस धरती को भी बदना नहीं होने दूंगा, वादा करके जा रहा हूँ। किसे मिलेगा आशीर्वाद, कौन होगा विदा, ये तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन फिलहाल फतेहपुर सिकरी की अगर बात करें तो मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार की तरफ दिखता नजर आने लगा है। मुझे जो जनता का प्यार मिल रहा है, इस प्यार के लिए इस संसार में कोई शब्द नहीं बने जिन शब्दों को मैं व्याख्यान दूं। असीमित प्यार है जिनकी शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके राजकुमार चहर ने जो वादे मतदाताओं से किए थे पिछले 5 सालों में, कोई भी ऐसा काम यहां पर दिखता नजर नहीं आ रहा, और यही वजह है कि फतेहपुर सिकरी की जनता, मतदाता सभी भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चहर से साफ नाराजगी दिखती नजर आ रही है। और मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार की तरफ दिखता नजर आने लगा है, और जीत भी निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की फतेहपुर सिकरी से दिखने लगी है। जनता मेरा परिवार है, इन जनता को अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो मुझे 18 वर्ष में सेना में ट्रेनिंग दी गई है, वो सारी ट्रेनिंग इनके लिए मैं पूरी जीवन लगाऊंगा, और अगर इन्होंने मुझे सांसद बनाया, सांसद एक ताकत होती है, सांसद में कानून बनाने और कानून को रद्द करने की ताकत होती है, मैं पूरी ताकत इनके अधिकारों को दिलाने के लिए लगाऊंगा। जैसे सेना के अंदर हमको कसम दिलाई जाती है वतन पे मर मिटने की, ऐसे ही अब वतन पे मर मिटने की, जनता पे मर मिटने की, इनके अधिकारों को दिलाने के लिए मुझे अपने को हवन की तरह झोंकना पड़ेगा, तो मैं झोंक दूंगा। सांसद रहते हुए मेरे लोगों पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता, कानून काम करना चाहिए, और डेफिनेटली मैं इस देश के अंदर एक नई क्रांति लाने की योजना है मेरी, और आज जो व्यवस्थाएं सड़ गल गई हैं, इस सड़ी गली व्यवस्था को सुधारने के लिए ज़रूरत पड़ी तो सांसद के रूप में जनता को लेकर के मैं रोड पे भी चलूँगा। वर्तमान व्यवस्था में इतनी दुर्गंध आ रही है कि वो दुर्गंध बर्दाश्त से बाहर है।